हेलो गाइज, वेलकम टू एसकेएम डिजिटल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर आप यूपीआई के माध्यम से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से किसी को अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम हो गया, इसके माध्यम से आप किसी को अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो कई बार बाय मिस्टेक से जो आप अमाउंट किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको न ट्रांसफ़र होकर किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि पता नहीं अब मुझे वो अमाउंट वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं वो बंदा मुझे वापस देगा या नहीं देगा, क्योंकि जो पेमेंट होती है वो 100% सक्सेसफुल हो जाती है, तो आपका जो मिलने का चांस होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। मान लीजिए जिस बंदे को आपने अमाउंट ट्रांसफर किया, गलती से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हुआ है, उस बंदे को आप किसी तरीके से संपर्क करके पैसा वापस करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बंदा आपको वापस नहीं करता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से बाई मिस्टेक किसी को सेंड किया हुआ अमाउंट 100% वापस पा सकते हैं, वो भी बैंक आपको 100% वापस देगा। तो बाई मिस्टेक अमाउंट ट्रांसफर किया हुआ आप किस तरीके से वापस पा सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका अमाउंट गलती से किसी और यानी किसी अदर पर्सन को सेंड हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने गूगल एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे NPCI। टाइप करके जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गेट इट का। आप यहाँ पर देख सकते हैं गेट इन टच का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा UPI कंप्लेंट का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप UPI कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लेंट में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ट्रांजेक्शन का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल्स फिल करना है। जैसे कि आप यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक पर्सन टू पर्सन का और दूसरा पर्सन टू मर्चेंट का। तो अगर आप पर्सन टू पर्सन सेंड किए हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर आप पर्सन टू मर्चेंट यानी व्यापारी को सेंड किए हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इशू का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अमाउंट ट्रांजेक्शन करते वक्त क्या इशू आया है, जैसे कि ट्रांजेक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, यानी ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया है लेकिन अमाउंट जो है डेबिट हो गया है, तो अगर इस तरह का एरर आ रहा है, अगर आपको मतलब किसी ऐसे अकाउंट में सेंड कर दिए हैं बाई मिस्टेक से जिसमें आप नहीं सेंड करना चाहते थे, तो ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपको इनकरेक्टली ट्रांजेक्शन टू एनदर अकाउंट, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कमेंट का, आप यहाँ पर जो भी आपको इशू आए हैं आप यहाँ पर कमेंट में उसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप उसका ट्रांजेक्शन ID लिखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उस बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे जिस बैंक में आप ट्रांजेक्शन किए हैं, यानी जिस बैंक से आप ट्रांजेक्शन किए हैं उस बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर VPA इंटर करेंगे, यहाँ पर आप अमाउंट इंटर करेंगे कितना आपने सेंड किया था, यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इंटर करेंगे, ईमेल आईडी इंटर करेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पर आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आप उस फाइल को अपलोड कर देंगे। फाइल अपलोड करने के बाद बस आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 से 3 डे के अंदर में आपका जो ट्रांजेक्शन किसी अदर अकाउंट में हुआ है वो आपको 100% रिफंड मिल जाएगा बैंक की तरफ से। उसके बाद आपको टेंशन छोड़ देना है, सारी जिम्मेदारी बैंक की हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इस तरीके से फॉर्म को फिल करके यानी इस प्रोसेस को अप्लाई करके आप अपना रिफंड 100% पा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर बाई मिस्टेक अमाउंट किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपको क्या क्या प्रोसेस करके अपना अमाउंट 100% पाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।